माँ सरस्वती तो रहती हैं विद्या के संसार में, संगीत के संसार में, लेकिन सीरियल मेरी हानिकारक बीवी में जो नन्ही सी वैष्णवी हैं, वो रहती हैं कैसे संसार में, देखेंगे आप और बिताएंगे वैष्णवी के साथ कुछ बहुत ही हसीन पल और करेंगे एक खूबसूरत सा डे आउट। चलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, क्योंकि वो हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं। और आज हम आपको टीवी की ऐसी बेटी से मिलाएंगे जो सबको नाचना सिखाती है, क्योंकि वो है सुपर डांसर। वो अपने सीरियल की टीचर है, रियलिटी शो में भी अपना जलवा दिखा चुकी है। और आज हम कर रहे हैं एक टीचर्स डे आउट इस नन्ही सी बच्ची के साथ, यानी कि वैष्णवी प्रजापति के साथ, जो चुलबुली है, जो नजर आती है एन टीवी के सीरियल मेरी हानिकारक बीवी में मिश्री के किरदार में। रियल लाइफ में वैष्णवी है चुलबुली, है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। डांस का टैलेंट उनके अंदर कूट कूट कर भरा है और साथ ही बहुत अच्छी एक्टर भी है। सबको अपने इशारों पर नचाती है और खुद एक बहुत अच्छी डांसर है। जब भी इन्हें नाचने का मौका मिलता है वो ये मौका नहीं छोड़ती और साथ ही साथ सभी को अपने साथ नाचने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है वैष्णवी प्रजापति के घर पर उन्हें कहने गुड मॉर्निंग। भाई वैष्णवी है टीवी की संस्कारी बेटी, क्योंकि इनकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है भाव भक्ति के साथ। वैष्णवी के घर में है एक छोटा सा मंदिर जिसमें है वैष्णवी के फेवरेट भगवान, और सुबह सुबह उठकर वो भगवान की पूजा अर्चना करती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। मुझे तो आप सबने पहचाना ही होगा, मैं आप सबकी वैष्णवी यानी कि मिश्री फ्रॉम मेरी हानिकारक बीवी। और आज मैं सास बहू और बेटिया के साथ सारा वक्त बिताने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी गुड मॉर्निंग होती है, सबसे पहले मैं उठती हूँ, फिर नहाती हूँ, धोती हूँ, फिर फटाफट आके मंदिर में पूजा करती हूँ। मेरी गुड मॉर्निंग पूजा से ही होती है। मेरे भाई है, हम लोग मथुरा से लाए थे, तो मम्मा ने बोला था कि मेरा बेटा है, तो मैंने इसे राखी बांधी है। खाना जी, और शेरा वाली माता, काली मैया, और ये जीवदानी माता, मुंबा देवी माता, श्री गणेश, सिद्धिनाथ जी, और श्री गणेश, और कछुआ, साईं बाबा, नंदगोपाल, नंदगोपाल, मोर, गाय। पूजा के बाद मैं इन्हें भूख लगाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, फिर उसे खाती हूँ, फिर दोपहर को भी खाने से पहले इन्हें भूख लगता है, मतलब जब जब मैं खाती हूँ तब तक ये भी खाते हैं। अभी मैं भूख लगाने वाली हूँ। आज मेरी मम्मा ने कान्हा जी के लिए यानी कि अपने बेटे के लिए सेवियाँ बनाई। सो अब हम भूख लगा चुके हैं, अब मेरे घर वाले से मिलते हैं, मेरा घर देखते। वैसे तो वैष्णवी पानीपत की रहने वाली है, लेकिन एक्टिंग और करियर के चलते उनका बसेरा मुंबई में ही हो गया है और यहाँ पर वो अपनी मम्मी और भाई के साथ रहती है। वैसे वैष्णवी डांस रियलिटी शो सुपर डांसर की फर्स्ट रनर अप रह चुकी है और डांस इनके कण कण में बसता है, इसीलिए तो देखिए इन्होंने अपनी मम्मी को भी नचा दिया। अच्छी है जोड़ी मम्मी और वैष्णवी की, तो देखो कितनी अच्छी जोड़ी है हमारी। ये देखो, अगर ये मैं पहनूं मैं भी मम्मी लगूंगी। पहले गांव की एक्टिंग कर, तू गांव की लड़की औरतें कैसे रहती है, गांव की औरतें। नाचती बताए कैसे है नाचती।
वैष्णवी अपनी मम्मी की लाडली बिटिया रानी है और अपनी बेटी के लिए वैष्णवी की माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है और ये स्ट्रगल करके ही उन्होंने वैष्णवी को बेस्ट डांसर बनाया है। और रियलिटी शो में जाने के बाद वैष्णवी ने अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी मम्मी का नाम रोशन किया। और हमें अब यहाँ पर शिफ्ट हुए पूरे 9 मंथ हो चुके हैं। अच्छा। हाँ जी। और वैष्णवी ने 27 नवंबर को हमने यहाँ रूम लिया था और 4 दिसंबर से कंटिन्यूटली मेरी हानिकारक बीवी वैष्णवी कर रही है। बहुत अच्छा इसका सफ़र रहा है, बहुत ज़्यादा इसने ट्रेक दिए हैं और हमारा मेरी हानिकारक बीवी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है। वैष्णवी जैसे मैं सुपर डांसर में थी तो अनुराग सर क्या कहते थे, वैष्णवी तो अपनी मम्मी के पेट से पता है कैसे निकली। ये छोटी सी थी, मतलब 2.5 साल की। हमारे घर माता काली की पूजा होती है तो हम उनका 2.5 साल जागरण करवाते हैं, तो उस जागरण पे ये राधा बनती थी और डांस करती थी नॉर्मली। फिर मैंने इसको एक राधे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। पहले मैं फिर डांस करने लगी तो हरियाणवी सॉन्ग पे फिर डांस करना चालू किया। फिर मैंने मम्मी को बहुत जिद किया, मम्मा जाना है जाना है, तो मम्मा डेली बोली हाँ चलते हैं चलते हैं। तो फिर मैंने एक दिन बुझ के डांस करके दिखा दिया, मम्मा देखो तो अच्छा डांस करती थी। वैसे तो उम्र में वैष्णवी छोटी है लेकिन बहुत समझदार है। जब पानीपत में थी तो अपने मोहल्ले की डॉन थी, अपने भाई को ये धोबी पछाड़ देती है और इसीलिए इनके भैया राजा इन्हें टॉम बॉय बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं वैष्णवी के भाई से। तो मैं आपको अपने भाई से मिलवाती हूँ, नाश्ता भी उसके साथ ही करेंगे। भाई खुशु बाहर आइयो। भाई ये देखो, ये मेरा भाई शर्मिला सा, बहुत शर्मिला सा। एक्चुअली मैं पूरे दिन तो शूटिंग पे ही रहती है तो रात को बहुत कम टाइम ही मिल पाता है, तो जो थोड़ा बहुत मिलता है हर टाइम मस्ती में ही रहती है ये। बातें तो बहुत हो गई, अब जरा अपने घर की सैर करा दीजिए। ये मेरा फेवरेट चादर है, मैं तकिया तकिया। अरे ये मेरा दोपहर का फेवरेट कंबल। अरे ये मेरा रात को सोने वाला। अब हम जा रहे हैं मेरे घर के किचन में। ये देखो मेरा किचन और आज तो मेरे फेवरेट राजवा चल बनी। ये मेरी मासी राजी, जल्दी जाने वाली है घर पे। मैं बोली हूँ तुम्हारे से आधा रुक जा। और इसकी जिद की वजह से सिर्फ मैं आऊँ। हाँ नहीं तो मैं कल घर पैकअप के बाद घर जाने वाली थी, बोली नहीं आज तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे नहीं पता और अगर नहीं गए ना तो मैं आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं। आज स्पेशली मेरे लिए राजमा चावल बने हैं और आज मैं इसीलिए अपने शूट पे भी लेके जाने वाली हूँ, मजा आने वाला है। मेरे को रोटी भी बनाना आता है, पराठे बनाना आता है, पास्ता भी बनाना आता है, मैक्रोनी भी बनाना, भिंडी भी बनाना आता है, चावल भी बनाना आता है। मैं अभी 9 की 10 की। हमेशा चटर पटर करने वाली क्यूट सी ये लड़की जब भी डांस करती है तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। खैर अब बारी है सेट पर चलने की। तो अब ब्रेकफास्ट हो गया, मम्मी से मिल लिए, भाई से मिल लिए, मासी से मिल लिए, सबसे मिल लिए, घर भी देख लिया, तो अभी चलते हैं शूटिंग करना है। चलो हमारे सेट पे चलते हैं, चलो 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 चलते चल चल। वैष्णवी कांदीवली में रहती है और उनका सेट है गोरेगांव में और वो ये सफर किसी गाड़ी वाड़ी में नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा में तय करती है और मस्ती और डांस का एक भी मौका नहीं छोड़ती, चाहे फिर वो ऑटो रिक्शा ही क्यों ना हो। सो हम लोग नीचे आ चुके हैं तो आज हम कार से नहीं, आज हम जाएंगे ऑटो से, क्योंकि सास बहू और बेटियां जो हमारे साथ है उनको भी घुमाते हैं। तो सो आज हम ऑटो में ही है तो चलते हैं ऑटो में। मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा, सेट पे जा रहे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है ना।
हम सेट पे पहुंच चुके हैं। थैंक यू अंकल आने के लिए। बाय। चलो चलते सेट पे। ऑटो रिक्शा का मस्ती भरा सफर तय कर हम पहुंच गए गोरेगांव के फ्यूचर स्टूडियो में, जहां होती है मेरी हानिकारक बीवी की शूटिंग। और सेट पर पहुंचते ही सबसे पहले वैष्णवी ने हमें दिखाया अपना सेट और मिलवाया अपनी रियल फैमिली से। गांधी वाली से गोरेगांव आ चुके हैं। ऑटो का सफर करके कितना मजा आया ऑटो में। हीरा मेरा सेट, अभी आइए अंदर आइए। वैसे मेकअप रूम में आने के बाद वैष्णवी सबसे पहले मेकअप नहीं करती बल्कि टिकटॉक वीडियोस बनाती है। घर पे मेरा शुरुआत होता है पूजा से और सेट पे आते ही मेरा शुरुआत होता है टिकटॉक से, क्योंकि एक्सप्रेशन देने होते हैं ना टिकटॉक से। चलिए अब बारी है वैष्णवी से मिश्री बनने की। तो अभी तक आपके साथ थी वैष्णवी, लेकिन अभी आने वाली हूँ मिश्री, जो सबसे ज्यादा शैतान है। ये रही मेरी ड्रेस। और इस नन्ही सी बच्ची को तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। देखिए जरा कैसे ये झटपट रेडी हो गई। ये तो मैं चेंज कर चुकी हूँ। अभी हम मिश्री की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमको बहुत मजा आ रहा है आज। और आज हम सास बहू और बेटियों के साथ है, बहुत मजा आने वाला है हमका। तैयार शहर होकर वैष्णवी ने फिर से शुरू कर दी अपनी डांस लीला। बारी है रोल कैमरा एक्शन की। वैसे शूटिंग के बीच इन्हें मिली गुड्डन की लक्ष्मी बहू। ये हमारी गुड्डन दीदी की लक्ष्मी बहू है, बहू है। मैं पूरा आराम से, जो बहुत शरीफ सी और बहुत क्यूट सी और बहुत भोली वाली सी बनी है लक्ष्मी दीदी, गुड्डन दीदी की बहू। ये सबसे बेस्ट है, ना ही कुछ ना ही कुछ। तो बेसिकली हम लोग साथ में शूट करते हैं ना। हाँ, ये इनका सही है, हमारा सही। ये बाय। अपना काम खत्म करके वैष्णवी निकल पड़ी अपनी रियल फैमिली से हमें मिलाने। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं वैष्णवी की रियल मम्मी से। ये बहुत, ये दादी अम्मा है, बच्ची नहीं है, ये दादी है, ये मेरी मापू है। हाँ जी माता जी, आज आज के लिए क्या, आज के लिए आज का प्रवचन क्या है, आज का कुछ। और साथ ही साथ मिलते हैं सेट के बाकी एक्टर्स से भी। चिट्टन यानी कि गोरान शर्मा, इधर इधर इधर। हेलो, आप लोग कितनी मस्ती करते हो? मत मस्ती करते हैं। क्या क्या करते हो? हम शूटिंग करते हैं। शूटिंग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस नन्ही सी बच्ची का डांसिंग भरा टीचर्स डे आउट देखकर आप सभी को मजा आया होगा और वैष्णवी के बारे में आपने छोटी बड़ी बातें जानी होंगी। बहुत मजा आया सास बहू बेटियों के साथ।
और ऐसे ही बस इंजॉय करते रहे, बहुत मज़ा आया मुझे आज डांस वांस करके, कितना मस्ती किया मैंने, आज मैं बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ। हाँ और सोने का टाइम हो गया, बहुत नींद आ रही है। लव यू, और देखना ना भूले मेरी हानिकारक बीवी। श्रुति बरचातिया, मुंबई, आज तक।